डॉक्टर चौहान, लौकी के 8 फायदे क्या है इसके बारे में हमें बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि किस तरह की लौकी हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस तरह की लौकी नहीं खानी चाहिए। जो कड़वी अगर लौकी है, टेस्ट उसका कड़वा है, उसको बिल्कुल मत खाइए। इसलिए कई बार लोग जूस पीते हैं लौकी का सुबह निकाल करके, तो पहले आप छोटा सा पीस लेके एक बार चेक जरूर कर लीजिए वो कड़वी तो नहीं है। कड़वी लौकी कई बार बहुत पॉइजनस हो जाती है, कई प्रकार के विकार उससे हो सकते हैं। और जहां तक फायदों की बात है, लौकी तो बहुत बढ़िया चीज है, हम बार बार बताते हैं। पेट के लिए तो अमृत का काम करती है, पाचन को अच्छा करती है, कब्ज अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है उसको ठीक करती है, पेट में अगर हाइपर एसिडिटी है, जलन है, उसको नष्ट करती है लौकी। लौकी का जूस भी पी सकते हैं, लौकी की सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं, और वजन भी कम करती है। जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं वो लौकी का जूस पिए। पित्त शामक होने के कारण जो है बालों के और त्वचा के लिए बहुत अच्छी, लौकी का जूस अगर आप नियमित पिएंगे तो आपकी त्वचा भी सुंदर होगी, बाल भी आपके घने और सुंदर हो जाएंगे, हार्ट के लिए भी अच्छी है, और अगर ब्लड प्रेशर आपको रहता है तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है लौकी का जूस। डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसका सेवन करते हैं, और उसका क्योंकि कई प्रकार के उसमें पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी इसका लाभ उठाते हैं। जिस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है, उसका जो है माइंड बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस आपको रहती है, वो लोग भी लौकी का जूस सेवन कर सकते हैं, या लौकी की सब्जी भी आप सेवन कर सकते हैं, लौकी का हलवा भी बना सकते हैं। लौकी को कद्दूकस करके थोड़ा आटा में मिला करके उसकी रोटी भी बना करके आप खा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।